सर्वेभ्यो नमो नमः मम नम लूनेश कुमार वर्मा व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शशापेरी जिला रायपुर मध्ये अहम अद्य अ पठामः दशम्याः कक्षायाः एकादशः पाठः पाठस्य नाम अस्ति विचित्रः साक्षी प्यारे बच्चों आप सभी संस्कृत के विषय में जानते हैं संस्कृत में विपुल साहित्य है संस्कृत में जो साहित्य की रचना की गई है वो केवल प्राचीन काल में ही नहीं अपितु आधुनिक काल में भी यह सतत गतिमान है सतत जारी है निरंतर इसमें साहित्य की रचना हो रही है आधुनिक काल में भी बहुत से ग्रंथों की रचना जो है की गई है तो ऐसे ही आधुनिक काल में जो रचना किया गया है उन पर आधारित हमारा आज का यह पाठ है विचित्र साक्षी और यह जो पाठ है यह ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित एक कथा का संपादित अंश है इस भाग में हम देखेंगे कि विभिन्न गतिविधियां होती हैं समाज में जिसके कारण से कई बार हमें न्यायालयीन प्रकरण में भी जाना होता है जब न्यायालय में कोई प्रकरण जाता है तब वहाँ प्रमाणों के आधार पर निर्णय देना यह न्यायाधीश का कार्य होता है लेकिन कभी कभी न्यायाधीशों के समक्ष विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है वह इसलिए कि वे सच्चाई क्या है या सत्य का मार्ग क्या है ये तो जानते हैं लेकिन उस मार्ग में उन्हें कोई साक्ष्य या कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता है ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की युक्तियों का सहारा उन न्यायाधीशों को लेना पड़ता है ताकि उचित न्याय किया जा सके तो ऐसे ही एक प्रकरण के विषय में हम इस पाठ में अभी अध्ययन करेंगे तो प्यारे बच्चों आइए सबसे पहले हम यह जो पाठ है एकादश पाठ विचित्र साक्षी इस पाठ्य वस्तु को सबसे पहले हम सुनते हैं एकादश पाठ विचित्र साक्षे प्रस्तुत पाठ श्री ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा रचित कथा का संपादित अंश है यह कथा बंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में दिए गए फैसले पर आधारित है सत्या सत्य के निर्णय हेतु न्यायाधीश कभी कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिससे साक्ष्य के अभाव में भी न्याय हो सके इस कथा में भी विद्वान न्यायाधीश ने ऐसी ही युक्ति का प्रयोग कर न्याय करने में सफलता पाई है कश्चन निर्धनो जन भूरी परिश्रम्य किंचित वित्त सह स्वपुत्रं एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दातुं सफलो जातः ततनेह तत्रैव छात्रा वासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णता मांकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्र दशुमच प्रस्थि परीडि स बसयानम विहाय पदातिरव क्रमेण संचलन सचलन समये अप्यसौ आसीत् आसी निधकार प्रसृते प्रदेशे पदयात्रा न सुभावा, एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कन्चित ग्रिहस्थ मुपागतः करुणा परो ग्रिहि तस्मि आश्रयम प्रायः चत विचित्रा देवगति हर तस्यामेव रात्रावु तस्मिन् ग्रिहे कश्चन चौरह ग्रिहाभ्यन्तरम् प्रविष्टः तत्र निहिता में काम मंजुसाम आदाय पलायित ह। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो तिथि चौर संक्या तमन्वद। तमन्नु धावत तमन्व धावत अग्रनाच्च परम विचित्राम घटयत परम विचित्राम घटत चौरह एव उत्चयः क्रोसितुम आरभत चौरोयम् चौरोयम् इति तस्य तार स्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराक मतिथि मेव च चौरम् मत्वा आभर्तस्यन यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी चौर आसी तत्णमे रक्षापुरुषः तम अतिथि चौरोय तम अतिथि चौरोय प्रख्याप्यागृहे प्रक्षिपत अग्रिमे दिने स आरक्षी चौरगे तम न्यायालय नीतवान

ततो तौ तो अग्रिमे दिने उपस्था आदिष्टवान अन्यद्युह तौ तो न्यायालये स्वस्व पक्षं पुनः स्थापितवन्तौ तदैव कश्चित तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत यत् इतः क्रोश द्वयांतराले कश्चित केनापि हतः तस्य मृत शरीरं राजमार्गं निकसा वर्तते आदि्यताम किम करनीयमिति न्यायाधीशः आरक्षणं अभियुक्तं च तम सवम् न्यायालयये आनयेतु मादिष्टवान आदेशं प्राप्य उभौ प्राचलतां तत्रोपेत्य काष्ट नि पटाचा देह स्क वह न्यायाधीकर प्रति प्रस्थित आरक्षी सुपुष्ट देह आसी अभियुक्त अतीव कृषकाय भारवत शव सेकंधेन वहन तत्ते दुष्कम आसी स भारवेदनया क्रद तस्य क्रंदनम् निसम्य मुदित आरक्षे तमुवाच रेदोष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहम् चोरिता या मञ्जुसा या ग्रहणात् वारितः इदानीम् निज कृत्यस्य फलम् भूंचवः अस्मिन् चौर्याभियोगे तुम वर्ष त्रयस्य कारादंडम् लप्स्यसे इति प्रोच्य उच्चय अहसत यथा कसंचित उभाव सब मानिये एक अस्मिन चत्वरे स्थापित वंतावू न्यायाधीशेन पुनः विषय वक्तु मादिष्टावू आरक्षिणी निज पक्षम् प्रस्तुतवती आचरियम् घटत स सवहा प्रावारकं प्रसर्य न्यायाधीसं अभिवाद्य निवेद्यितवान् मान्यवर एतेन आरक्षिणा अद्वनि यदुक्तं तद वर्णयामि त्वया अहम् चोरिता याह मुंजसा याह ग्रहणात् वारितः अतः निजकृत्यस्य फलम् भूच्छ व अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयम् कार दण्डम लप्स्यसे इति न्यायाधीशः आरक्षणे कार दण्ड मादिश्य तम जनम स सम्मानं मुक्तवान् अत एव उच्यते दुष्करान्यपि कर्माणि मति वैभवसालिनः नितिम युक्तिम प्रकूर्वते। प्यारे बच्चों अभी हमने यह जो अंश देखा विचित्र साक्षी पाठ का इस पाठ में विभिन्न शब्द आए हैं अभी हम इसका जो हिंदी शब्द पढ़े हैं हिंदी अनुच्छेद हमने जो पढ़ा उसमें एक शब्द आया है सत्या सत्य सत्य सत्या का तात्पर्य होता है सत्य और असत्य यह द्वंद्व समाज का उदाहरण है सत्य और असत्य इति सत्या सत्य। प्यारे बच्चों अब हम आइए ये जो विचित्र साक्षी पाठ है इस पाठ के विभिन्न अंशों को समझते हैं और साथ ही साथ व्याकरणिक तत्व जो हैं इन्हें भी समझने का प्रयास करते हैं अनुच्छेद है कश्चन निर्धनो जन भूरी परिश्रम्य किंचित विपार्जित क्वेश्चन कह धन चन कश्चन यहाँ पर विसर्गसंधि का प्रयोग हुआ है इसी तरह से और इसका तात्पर्य होता है कश्चन का तात्पर्य होता है कोई चन और चित संस्कृत में ऐसे प्रत्यय हैं जिनका अनिश्चय के अर्थ में प्रयोग किया जाता है अर्थात जब निश्चितता न हो जैसे यदि आपको कहना हो कि मैं किसी गांव गया था तब आप वहां पर चन या चित प्रत्यय से युक्त जो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं इनका आप उपयोग कर सकते हैं तो ऐसे ही यहां पर प्रयोग किया गया है कश्चन कश्चन निर्धनों निर्धनों जनह निर्धनो जनह यहाँ पर भी संधि है संधि हम अलग करें तो निधन जनह इति निर्ध निर्धन यहाँ पर संधि का प्रयोग हुआ इसी तरह से धन धन जन यहाँ भी संधि का प्रयोग हुआ तो इस तरह से निर्धनो जनह यहाँ दो संधियाँ हैं एक तो उसमें लगा हुआ दिख रहा है निर्धनो लिखा है तो नि जो रेफ आया है र का ऊपर की जो मात्रा दिख रही है यह जो है क्या होता है यह विसर्ग में बदल जाता है तो यह हो जाता है निधन धनो या निधन धन निर्धन और इसी तरह से धनो जन तो धन धन जन धनो जन यहाँ भी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है भूरी भूरी का मतलब होता है बहुत अधिक या अत्यंत परिश्रम्य परिश्रम करके किंचित देखिए एक जगह क्वेश्चन शब्द आया है और यहां पर किंचित शब्द का प्रयोग हुआ है क्वेश्चन क्यों कहा गया है क्योंकि क्वेश्चन जो है यह विशेषता बताता है किसकी निर्धन की तो क्वेश्चन निर्धनों तो यह विशेषण विशेष संबंध भी आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन निर्धनों इस पद में विशेषण कौन सा पद है और विशेष्य कौन सा पद है तो ध्यान दीजिएगा आप सभी जानते हैं विशेषण और विशेष्य के संदर्भ में जिस व्यक्ति या वस्तु या संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वह पद जो होता है वह विशेष्य होता है और जिस शब्द से उसकी विशेषता बताई जाती है वह शब्द जो है विशेषण होता है तो कश्चन निर्धनों यहाँ जो यह जो पद है इसमें कश्चन जो है यह क्या है यह विशेषण है और निर्धनों या निर्धन यह विशेष्य है तो कश्चन निर्धनोजन कोई निर्धन जन जन मतलब होता है व्यक्ति कोई निर्धन व्यक्ति भूरी परिश्रम बहुत अधिक परिश्रम करके किंचित किम धन चित यहां पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है और इसका आ, किसके लिए प्रयोग हुआ है किंचित ये प्रयोग हुआ है आगे जो शब्द आ रहा है वित्त उपार्जितवान यह भी संधि युक्त पद है संधि हम अलग करें वित्तम धन उप धन अर्जित वान्तमुपार्जित वान तो वित्तम धन उप यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है उप धन अर्जित वान यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है तो किंचित यह जो शब्द आया है यह वित्तम की विशेषता बताने वाला है तो यहाँ पुनः प्रश्न किया जा सकता है किंचित वित्तम अस्मिन पदयो विशेषण विशेष पदम चिनुत, अर्थात किंचित इसमें विशेषण और पद को चुनकर हमें लिखना है तो आपको यह बताना होगा कि किंचित यह जो पद आया है, इन दोनों पदों में से कौन सा पद जो है विशेषण है और कौन सा पद कौन सा पद जो है विशेष है तो विशेषता किसकी बताई गई है वित्त की अर्थात संज्ञा रूप है यह तो वित्त क्या हुआ यह विशेष्य हुआ और किससे विशेषता बताई गई है किंचित चित मतलब कुछ अल्प कितना यह निश्चित नहीं है निश्चित नहीं होने के कारण से चित प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया गया है किसके साथ में किम आ, किम जब कह रहे हैं यह क्या है ये सर्वनाम पद है और किम के रूप जो होते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं और यह प्रश्नवाचक सर्वनाम पद है प्रश्नवाचक अर्थ में तो यहाँ किम यह जो प्रयोग किया गया है नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति वचन का है तो किंचित किंचित इसलिए कहा गया क्योंकि वित्तम कहते हैं तो वित्तम यह क्या है यह भी वित्त शब्द है प्रथम विभक्ति वचन लिंग का शब्द है इसलिए क्योंकि वित्तम जो है नपुंसक लिंग का शब्द है अतः किम शब्द का नपुंसक लिंग प्रथम विभक्ति वचन उसके विशेषता के रूप में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो किंचित वित्तम उपार्जितवान कुछ वित्त वित्त कहते हैं धन को या राशि को तो कुछ धन उपार्जितवान वो क्या किया एकत्रित किया उसको ग्रहण की वह इतना कमा पाया था तो कश्चन निर्धनों जन कोई निर्धन व्यक्ति भूरी परिश्रम बहुत अधिक परिश्रम करके किंचित वित्तम उपार्जितवान बहुत कम धन अर्जित किया था बहुत कम पैसा वह कमा पाया था सह स्वपुत्र एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दातुम सफलो जाता सह सह का मतलब होता है वह यह सर्वनाम पद है यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है यह प्रयुक्त हुआ है निर्धन के लिए जिस व्यक्ति की निर्धन व्यक्ति की बात की जा रही है उस व्यक्ति के लिए सह इस पद का प्रयोग किया है स्व स्वा मतलब होता है अपना और पुत्र मतलब पुत्र या बेटा वत्स वह अपने पुत्र को एक स्विन महाविद्यालय एक महाविद्यालय में तो एक स्मिन महाविद्यालय यह कह रहे हैं यहाँ भी विशेषण विशेष्य संबंध है तो यहाँ एकस्मिन और महाविद्यालय ये दो पद हैं इन दोनों पदों में से महाविद्यालय ये कहा गया है यह विशेष्य पद है और एकस्मिन जो है यह उसके विशेषता बताने वाला अर्थात विशेषण पद है तो एक और दोनों में सप्तमी भक्ति का प्रयोग हुआ है ध्यान दीजिएगा विशेष में जो विभक्ति होता है वही विभक्ति विशेषण पद में भी होता है तो महाविद्यालय यह विशेष्य पद है इसमें चूंकि सप्तमी भक्ति का प्रयोग हुआ है इसलिए इसके विशेषण पद एक इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और इस तरह से उसका रूप बना है एक मेन महाविद्यालय यह पूर्णिंग शब्द है इसलिए पूर्णिंग सप्तमी भक्ति एक वचन का प्रयोग जो है इसके विशेषण पद में भी हुआ है तो सह स्वुत्र एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दातुम सफलो जातः सफलो जातः कह रहे हैं यहाँ भी संधि है शब्द दिख रहा है अलग अलग लेकिन विसर्ग संधि का जो नियम है जिसको हम जानते हैं उसके आधार पर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं या कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है सफलो जाता इस पद का संधि विच्छेद का संधि का नाम लिखिए तो सफल धन जाता इति सफलो जात यहां विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है तो सफल इसका अर्थ होता है सफल हो जाता का मतलब क्या होगा इसका तात्पर्य होता है सफल हुआ प्रवेशम दातुम प्रवेशम मतलब प्रवेश दातुम मतलब प्रवेश दिलाने में दा धातु है इसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से यह शब्द बनता है दातुम परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि विभिन्न शब्दों में जो धातु और प्रत्यय हैं उन्हें अलग कीजिए या प्रकृति प्रत्यय पृथक कुरुत ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो धातुम यह शब्द दिया गया है जिसमें प्रकृति अर्थात धातु और प्रत्यय को अलग करना है तो धातु है यहाँ दा और प्रत्यय है तुम तो सह स्वपुत्र वह अर्थात वह निर्धन व्यक्ति स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन महाविद्यालय एक महाविद्यालय महा में प्रवेशम दातुम प्रवेश दिलाने में सफल हो जाता है सफल हुआ सफल हो गया आ, जैसे आप सभी अभी पढ़ रहे हैं विद्यालय शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं विद्यालयीन शिक्षा के पश्चात जब आपको आगे पढ़ना होगा तब आप किसी न किसी महाविद्यालय में प्रवेश करेंगे तो जब आप महाविद्यालय में जाएंगे, विद्यालय में प्रवेश सरल होता है लेकिन महाविद्यालय में जब प्रयोग कर प्रवेश करना हो तब वहाँ पर विभिन्न तरह की प्रतिस्पर्धाएँ होती हैं उन प्रतिस्पर्धा के आधार पर महाविद्यालयों में प्रवेश मिलता है विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश के अलग अलग नियम होते हैं उनके आधार पर विभिन्न छात्रों का प्रवेश होता है तो यह जो निर्धन व्यक्ति था जो बहुत अधिक परिश्रम करके कुछ ही रुपया कमा पाया था वह अपने पुत्र को महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हुआ तनय यह भी एक संधिपद है तत्नय तात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत तत्नय यह संधिपद है संधि हम अलग करें इति तनयी तत्तनय यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है तत्र यह भी संधि पद है संधि हम अलग करते हैं तत्र धन एव तत्रत्र यहाँ पर वृद्धेश्वर संधि का प्रयोग हुआ है छात्रावास छात्रावास मूल शब्द है और इसमें भक्ति विभक्ति वचन का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से इसका रूप बनता है छात्रावास और इसका तात्पर्य होता है छात्रावास में निवसन निवसन यह जो पद है यह कृदंत पद है निउपसर्ग है वस धातु है और ल्यूट प्रत्यय है तो इस तरह से शब्द बनता है निवसन और इसका तात्पर्य होता है निवास करते हुए अध्ययन अध्ययन में संलग्न सम्भूत संलग्न हो गया संभूत सम सं धन अभूत संभूत अर्थात हो गया तो तत्न उसका पुत्र तत्र छात्रवासे उसी छात्रावास में वहां के तत्र वहां ही वहां ही छात्रावास चात्रवास छात्रावास में निवसन निवास करते हुए अध्ययने संलग्न है अध्ययन में संलग्न हो गया आ, निवसन निवसन शब्द में Uh, निउपसर्ग है वस धातु और सत्र प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से इसका रूप बनता है निवसन और तात्पर्य होता है निवास करते हुए संस्कृत में सत्र और सानज प्रत्यय ऐसे प्रत्यय हैं जिनका, प्रत्य है, जिनका प्रयोग जो है ऐसे कृदंत प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग वर्तमान कालिक रूप बनाने के लिए किया जाता है तो इस तरह से निवसन शब्द में नी उपसर्ग है और वस धातु और सत्र प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और उसका रूप बना है यहाँ निवसन इसका तात्पर्य होता है निवास करते हुए तो तत्नय तत्र छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत उसका पुत्र उस निर्धन व्यक्ति का पुत्र वही छात्रावास में निवास करते हुए अध्ययने अध्ययन में संलग्न हो गया एकदा स पिता तनुजस्या रुग्णताकर्ण्य व्याकुलो जाता एकदा एक बार यह अव्यय पद है अव्यय उन पदों को कहा जाता है जिन पदों जिन पदों का प्रयोग कहीं पर भी किया जाए उनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता ऐसे पदों को अव्यय पद कहा जाता है तो ऐसा ही यह एकदा यह जो पद है यह अव्यय पद है और इसका तात्पर्य होता है एक बार तो एकदा एक बार सपिता यहाँ पर भी संधि है संधि जब हम अलग करते हैं तो स पिता दिख रहा है तो संधि जब हम अलग करेंगे तो सह धन पिता इति सह पिता ऐसा हो जाएगा यहाँ पर भी विसर्ग संधि है लोप विसर्ग संधि है अर्थात विसर्ग संधि जब होती है तो विसर्ग का लोप हो जाता है तो यहाँ इसी तरह से विसर्ग का लोप हुआ है तो एकदा स पिता तनुजस्य तनुज जो है मूल शब्द है एक वचन का रूप है तो तनुज कहते हैं पुत्र को पुत्र का पर्यायवाची है तो तनुजस्य पुत्र के रुग्णताम आकर्ण्य रुग्णताम को अर्थात रोग को अर्थात उसका पुत्र जो है रोग हो गया उसे रोग हो गया था रोगग्रस्त हो गया था रोगी हो गया था तो रुग्णताम आकर्ण्य पुत्र के रोग को आकर्ण्य सुन कर आकरण रुग्णता आकरण्य संधि अलग करें तो रुग्णताम धन आकरण रुग्णताम आकर्णीय यहां व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ और आकर्णीय इस शब्द को हम जब अलग करते हैं तब हम देखते हैं आ उपसर्ग है कर्ण धातु है और ल प्रत्यय है तो इस तरह से इसका रूप बनता है सुनकर तो एक बार उसके पिता पुत्र के रुग्णता अवस्था को सुनकर व्याकुलो जातः व्याकुल हो गए व्याकुल हो जाता है यह भी एक संधि पद है संधि अलग करते हैं तो रूप बनता है व्याकुल धन जाता है यदि व्याकुलो जाता है यहाँ संधि है तो एक बार उनका उनके पिता पुत्र के रोग अवस्था को सुनकर या रोग को सुनकर व्याकुल हो गए यह स्वाभाविक भी है जब किसी माता पिता की संतान कहीं दूसरे उनसे भिन्न स्थान पर हों इस तरह से छात्रावास में रहते हूँ और वह वहाँ यदि कहीं रोगग्रस्त हो गया समाचार तो हम लेते रहते हैं ना तो समाचार जैसे ही पिता को माता को पता चलता है उनके परिजनों को पता चलता है कि उनकी जो संतान हैं वो रोगग्रस्त हो गए हैं रोगी हो गए हैं तो मन में चिंता होती है स्वाभाविक होता है तो ऐसा ही वो जो निर्धन व्यक्ति था वह भी चिंतित हुआ किस लिए अपने पुत्र के रोगग्रस्त अवस्था को सुनकर और फिर क्या करते हैं अब जब ऐसा कोई माता पिता सुनता है तो अपने पुत्र से अपने संतान से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं तो ऐसे ही वह पिता भी अपने पुत्र की अवस्था को सुनकर व्याकुल हो गया और फिर क्या करता है पुत्रम च प्रस्थिता और पुत्रम पुत्र को पुत्र मूल शब्द है द्वितीय व्यक्ति एक वचन का यह रूप है तो पुत्र को द्रष्टुम दृष्ट धातु और तुमुन प्रत्यय का योग हुआ है इस तरह से रूप बनता है द्रष्टुम इसका तात्पर्य होता है देखने के लिए च, च का तात्पर्य होता है और यह अव्यय पद है प्रस्थित प्रस्थान किया तो पु, पुत्र के रोग अवस्था को सुनकर पिता जो व्याकुल हुए पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित और पुत्र को देखने के लिए चल पड़ा या चला गया परमोर्थ कार्यन पिघिता स बसयानम विहाय पदातिरव प्राचलत परमर्थ कारसेन परम धन अर्थ कारसेन यहाँ पर व्यंजन संधि का योग हुआ है तो परम मतलब बहुत अधिक अर्थ कहते हैं धन को कारसेन मतलब कमी से परंतु धन की कमी से या कहें कि धन की न्यूनता से क्योंकि वह निर्धन व्यक्ति था उसके पास पैसे बहुत अधिक नहीं थे इसलिए तो परमर्थ कार्सियन पीड़िता धन की कमी से पीड़ित स बसयानम स बसयानम यह या संधि पद संधि अलग करें तो रूप होता है सह धन बस यानम यहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ तो धन की कमी से पीड़ित सह वह निर्धन व्यक्ति बसयानम बस यान को बस यान को लोकयान भी कहा जाता है आप सभी अब देखते हैं आप देख रहे हैं बस यान आपने भी इसमें यात्रा किया होगा तो लेकिन ये जो बस आपको दिखाई दे रहा है इस बस में यात्रा करने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है उतने पैसे की भी व्यवस्था उस निर्धन व्यक्ति के पास नहीं थी अतएव इसलिए क्या करता है बस यानम विहाय इस बस यान को छोड़कर विहाय का मतलब होता है छोड़कर रेव पदाति धन एव यहां विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है तो है एव अर्थात पैदल ही प्राचलत प्रधन आचलत अर्थात चल पड़ा तो धन की कमी से पीड़ित वह व्यक्ति बस को छोड़कर बस यान को छोड़कर पैदल ही अपने पुत्र को देखने के लिए चला गया अब देखिए लोगों के पास तरह तरह की समस्याएं होती हैं हाँ आप जब अध्ययन कर रहे हैं आपको अपने माता पिता की स्थिति का पता नहीं होता है वो कितने विषम परिस्थितियों में आपको पढ़ाते हैं तो ऐसे ही वह निर्धन व्यक्ति अपने पुत्र को हर माता पिता की यह इच्छा होती है कि उनकी जो संतान है उन्हें अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले उसके लिए वे तरह तरह के यत्न करते हैं तो ऐसा ही यत्न करता हुआ यह पिता है जो पुत्र के रोगग्रस्त होने का समाचार मिलते ही उनसे मिलने के लिए वह पैदल ही चल पड़ा क्रमेण संचलन साय समय अप्यसो गंतव्यात दूरे आसीत क्रमेण पैदल चलने से संचलन अर्थात पैदल ही चलते हुए संचलन सम धन चल धन सत्र प्रत्यय अर्थात संचलन अर्थात इसका तात्पर्य हुआ हिंदी में चलते हुए पैदल ही क्रमशः चलते हुए सायं समय संध्या काल का समय हो गया शाम हो गया संध्या समय प्यसौ अपिधन असौ इति अप्यसौ यहाँ पर यण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है तो पैदल ही चलते हुए संध्या काल पर्यंत गंतव्यात दूरे आसित गंतव्य कहते हैं जहाँ उन्हें जाना है या गंतव्य कहते हैं जहाँ हमें जाना होता है हमारे जो लक्ष्य होता है तो वह अपने गंतव्य से दूरे आसित दूर था पैदल ही चल रहा था तो पैदल चलने में समय अधिक लगता है परिश्रम भी लगता है लेकिन चूँकि उनके पास कोई उपाय भी नहीं था क्योंकि पैसे नहीं थे पैसे होता यदि रुपये उनके पास होते तो वो बस से जा सकता था तो धन की व्यवस्था नहीं होने के कारण से या कहें कि धन की बहुत कम व्यवस्था होने से वह पैदल ही चल पड़ा लेकिन पदातिक्रमेण संचलन पैदल चलते हुए सायम समय अपि असौ सायम हो जाने पर भी गंतव्यात दूर आसित वह अपने गंतव्य से बहुत दूर था अर्थात यदि वह अभी भी पैदल चलता तब भी वह अपने गंतव्य तक शीघ्र नहीं पहुंच सकता था निशांधकारे प्रसृते विजने प्रदेश पद यात्रा न सुभावहा निशांधकार निशा कहते हैं रात्रि को निशांध शब्द का संधि विच्छेद करते हैं निशाधन इति निशांधकार और निशांधकार अंधकार शब्द में सप्तम व्यक्ति का प्रयोग हुआ है तो साथ ही निशान्धकार्य निशाया अंधकार इति निशांधकार यहाँ ष्ठी तत्पुरुष समास का भी प्रयोग हुआ है तो एक ही शब्द में कभी कभी संधि भी होती है और समास भी होते हैं तो दोनों का प्रयोग किसी एक शब्द में भी हो सकता है तो वैसा ही यह पद है निशांधकार निशाधन अंधकार निशांधकार दीर्घ स्वर संधि निशायाह अंधकारे निशांधकार सृष्टि तत्पुरुष समास तो निशांधकार अर्थात रात्रि के अंधकार में प्रसृत्य फैले हुए विजने प्रदेश विजने उपसर्ग है और जन शब्द है और इसका तात्पर्य होता है विजन कहा जाता है निर्जन स्थान को अर्थात वह जिस मार्ग पे जा रहा था अब चूंकि शाम हो गया था अंधकार छाने लगा था निशांधकार प्रसृतित और रात्रि का अंधकार जो है छाने लगा था और रात्रि का अंधकार जब छाता है तो मार्ग में लोग जो है आना जाना नहीं करते हैं बहुत आवश्यक हो तभी आना जाना करते हैं अन्यथा उस रास्ते पर जाना लोग पसंद नहीं करते हैं क्यों क्योंकि वहाँ आशंकाएँ होती हैं रास्ते में चूँकि लोग आते जाते नहीं हैं तो चोर डाकू आदि का भय होता है या वन के मार्ग से यदि हम जा रहे हैं तो वहाँ पर वन्य जीव जंतु जो होते हैं वे सहसा आक्रमण कर सकते हैं इसलिए विजन्य प्रदेशें अर्थात जन रहित स्थान में निशांधकार रात्रि का अंधकार जब फैल गया हो ऐसे में जन रहित स्थान में पद यात्रा पैदल यात्रा न शुभाव वह अच्छा नहीं माना जाता है वह शुभ नहीं होता है